कौन बचा सकता है जब भारत पर हुनों का आक्रमण हो रहा है। गुप्त साम्राज्य के पैर लड़खड़ा रहे हैं। सम्राट कुमार गुप्त की अचानक मृत्यु हो जाती है। भारत पर सभ्यताई विनाश का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कौन बचा सकता है? स्कंदगुप्त जिसने इतिहास को हराया, उसे इतिहासकारों ने हरा दिया। चौथी और पांचवी शताब्दी का भारतवर्ष। गुप्त साम्राज्य अपने पराक्रमी योद्धा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रयासों से उत्तर और मध्य भारत में फैल चुका था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार अपने चरम पर था और कला, विज्ञान और साहित्य में आर्यावर्त अपनी सभ्यता की ऊंचाइयां छू रहा था। पर इस साम्राज्य और भारतवर्ष पर विपत्ति के बादल छाने वाले थे। क्या थी वो विपत्ति? पांचवी शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त साम्राज्य सम्राट कुमार गुप्त के शासन में राजनैतिक रूप से कमजोर हो गया। साम्राज्य आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण से जूझ रहा था। मध्य भारत में पुष्यमित्रों ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को तो कुचल दिया गया, पर इसने पहले से कमजोर हो रही कुमारगुप्त की केंद्रीय शक्ति को और भी कमजोर कर दिया। इसी समय मध्य एशिया में हुन अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। वो चीन, रशिया, रोमन साम्राज्य और ईरान की तरफ आतताइयों की तरह बढ़ रहे थे। चीन अपनी ग्रेट वॉल की आड़ में तो कुछ हद तक बच गया, परंतु हुनों ने रशिया पर जोरदार हमला किया। वोल्गा नदी खून से लाल हो गई। पश्चिम में रोमन साम्राज्य हुनों के आक्रमण से दहल उठा और इस तरह कमजोर हुआ कि 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इधर ईरान को हुनों ने अपने पैरों तले रौंद दिया और अब उनकी नजर भारतवर्ष की तरफ थी। गुप्त साम्राज्य की कमजोर केंद्रीय शक्ति और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुनों की मौजूदगी से साम्राज्य की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह था। हुनों की युद्ध नीति भारत के बिल्कुल इतर थी। तब के भारत में युद्ध के समय या उसके उपरांत प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। यह राजधर्म के विपरीत था। पर हुनों और बाद के आक्रांताओं की युद्ध शैली में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी ये आक्रांता भारत पर एक सभ्यताई खतरा थे। इन समस्याओं के बीच एक बुरी खबर आई। 455 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त की असमय मृत्यु हो गई और ऐसा मालूम होता है कि हुन भारत को अब अपने पैरों तले रौंद देंगे। पर ऐसा नहीं है, भारत के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। भारत वर्ष के इस निर्णायक क्षण में कुमार गुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। भितारी और जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि स्कंदगुप्त हुनों से युद्ध के लिए अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाते हैं। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज के जनरल्स की तरह उनके साथ शिविर में जमीन पर सोते हैं। स्कंदगुप्त जानते थे कि यदि मध्य एशिया के हुनों से लड़ना है तो अपनी सैन्य क्षमता में कैवेलरी आर्चर्स को प्रमुखता देनी होगी, और उन्होंने ऐसा ही किया।
अपने शौर्य, तेज, पराक्रम और अपनी कुशल सैन्य नीतियों से स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को कुचल दिया और उन्हें सिंधु और कांधार क्षेत्र से पीछे धकेल दिया। अपने 12 वर्षों के शासन काल में स्कंदगुप्त आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण दोनों को ही रोकने में सफल रहे और उन्होंने भारत को एक आततायी शक्ति से बचाया। यदि भारत के इतिहास के कुछ निर्णायक क्षण निकाले जाएं, तो स्कंदगुप्त का हुनों पर विजय एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। स्कंदगुप्त ने हुनों को तब हराया जब वो मध्य एशिया में बहुत मजबूत थे और इस हार के बाद संभवतः हुनों की स्थिति काफी कमजोर हो गई। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि 6 शताब्दी के प्रारंभ में भी हुनों ने भारत पर पुनः हमला किया, पर उनमें अब वो बात नहीं थी। मंडसौर शिलालेख से पता चलता है कि उत्तर भारत में मगध के नरसिंहगुप्त और मालवा के यशोधर्मन के सैन्य गठजोड़ ने 528 ईस्वी में तोरामन और मिहिर कुल को सोडस के युद्ध में पराजित कर भारत को हुन आक्रमण से सदैव के लिए सुरक्षित कर दिया। अफसोस ये है कि इतिहास की कई घटनाओं के साथ स्कंदगुप्त अध्याय को भी भारतीय इतिहासकारों ने दफन कर दिया, ताकि प्राचीन इतिहास की गौरव गाथा आपके कानों तक न पहुंचे। गुप्त साम्राज्य का भारत चीन के साथ दुनिया की जीडीपी का 50% हिस्सेदार था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। सिल्क रूट पर भारत की छाप स्वर्णिम रेखाओं में थी। जब रोम मध्य एशियाई हुनों से परास्त हो रहा था, तब भारत का ये शूरवीर सम्राट हुनों को हराने का वचन ले रहा था। एक पराक्रमी योद्धा जो इतिहास के निर्णायक क्षणों में अपने शौर्य से भारत की रक्षा करता है, उसे इतिहासकारों द्वारा भले ही भुला दिया गया हो, पर साहित्यकारों ने अपने नाटकों और अपनी कथाओं में उसे अमर करने का प्रयास किया है। मेरा ये वीडियो उसी प्रयास की श्रृंखला में एक और कड़ी है। दोस्तों, भले ही हमारे इतिहासकारों ने इस निर्णायक क्षण को इतिहास में दफन करने की कोशिश की हो, पर मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बच्चे हमारे देश के इतिहास को और उसके ऐतिहासिक क्षणों को बेहतर ढंग से समझ सकें। धन्यवाद।